हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो इस हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कनेक्टर, मतलब जो हमारे ये इंडिकेटर है, तो कितना इलेक्ट्रिसिटी एक बार मंथ में कंज्यूम करता है, या फिर इंडिकेटर के बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में सीखेंगे या जानेंगे इसके बारे में। तो हम इंडिकेटर के जानने से पहले कुछ उसको दिखा देते हैं खोल के ऊपर से। ये हमारा मॉडुलर इंडिकेटर है, तो इस बार हम ना खोल के इसी को दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है या रजिस्टर बोलते हैं उसको। तो इसमें दिख नहीं रहा, कवर चढ़ाया हुआ इसके अंदर, तो अंदर में ही है। तो इसके बाद फुल डिटेल्स हम जानते हैं, इसके बाद हम इसका कनेक्शन करके देखेंगे कि कनेक्शन कैसे करते हैं इंडिकेटर का। उसका यूज एक तो सूचक के रूप में किया जाता है, इंडिकेटर का मतलब भी होता है सूचक, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लाइट है या नहीं। इंडिकेटर कई प्रकार के होते हैं, जिसे स्क्रीन पर हम दिखा सकते हैं आपको बाद में। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। उसको जानने के बाद हम एक स्विच और एक सॉकेट और एक इंडिकेटर का कनेक्शन करेंगे और करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसके फुल डिटेल्स जान लेते हैं, कितना एक महीने में कितना इंडिकेटर कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो बल्ब रहता है इंडिकेटर में, वो नियॉन बल्ब रहता है, और इसमें एक रजिस्टर लगा होता है। रजिस्टर होता है 200 किलो ओम या फिर 270 किलो ओम का रजिस्टर होता है। इसका वाट बोले कितने वाट होता है, एनकर एनकर कंपनी का होता है, ये होता है एनकर कंपनी का, ये होता है 0.06 वाट। और अलग अलग प्रकार के वाट होते हैं, लेकिन हम इतना ही मांग लेते हैं। किसी में 1.2 वाट का रहता है, दिखाता है, हम 0.06 वाट का गूगल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हम इतना ही मांग के चलेंगे अभी। तो हमारे पास, हमारे घर में मान लीजिए कि स्विच बोर्ड हैं, 10 बोर्ड है घर में, और हर में एक इंडिकेटर लगा हुआ है हर बोर्ड में। तो हमारे पास 10 इंडिकेटर हो गए, तो 10 इंडिकेटर 0.06 वाट के हो गए। तो ये हो गया टोटल हमारे पास 0.6 वाट, ये हो गया। तो ये हमारे जो इंडिकेटर है, तो ऐसा है 24 घंटे जलते ही रहते हैं जब तक लाइट रहती है। तो इसका हम कर लेते हैं 24 × 0.6 वाट, 24 घंटे चलते रहते हैं। और 24 घंटे चलते रहते हैं, और ये 24 घंटे 30 दिन लगातार, एक महीने का 30 दिन में काउंट करते रहते हैं। और 0.6 वाट ये हमारा घंटे हो गए, ये 30 दिन हो गए, और हमारे ये वाट है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 432 वाट एक महीने में बिजली की खपत हो रही है, कंज्यूम हो रहा है। तो हम ये हमारा वाट में है। अब हमारे जानते हैं यूनिट किस में होती है, किलो वाट में होती है, किलो वाट पर आवर में होती है। तो हमारे पास 432 है, किलो वाट पर आवर में बदलने के लिए हम इसे एक 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 0.432। ये हमारा 10 इंडिकेटर का है, ये 10 बोर्ड जो लगे हैं। तो हमारे पास 0.43 किलो वाट है, किलो आवर है। ये हमारा आ गया 0.43 किलो वाट प्रति आवर। तो हमारी यूनिट निकल जाएगी 10 इंडिकेटर की। तो हमारी अलग अलग स्टेट में अलग अलग बिजली का प्राइस होता है पर यूनिट पर। तो हम एमपी में रहते हैं, तो एमपी में रहते हैं, एमपी में 1 किलोवाट प्रति आवर या एक यूनिट की कितने रुपए होते हैं। तो 1 किलोवाट में मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में 1 किलोवाट प्रति आवर की यूनिट की बिजली बिल कितना दर होता है, तो हम देख सकते हैं मतलब कितना पैसा आता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 0 से 50 यूनिट तक जो हमारा वो रहता है, इसका हमें आता है 4.13 रुपये पर यूनिट आता है, अगर इतना हमारा पर रुपये बिल आता है इतना अगर यूनिट है। तो अगर इसके बाद है 51 से 150 पर, तो आता है 5.05 रुपये पर यूनिट बिल आता है, अगर इतना यूनिट के बीच में रहा तो। अगर हमारे पास 151 से 300 तक यूनिट हमने बिजली खर्च की एक महीने में, तो हमारा बिल आता है 6.45 रुपये। अगर इसे 300 से अगर पार हमने यूनिट बिजली खर्च की, तो हमारा आता है 6.65 रुपये पर यूनिट बिल आता है। तो हमारा है 51 से, हम 100 यूनिट पर निकाल रहे हैं, तो 51 से 150 यूनिट की तरह हम लेंगे, तो हमारा कितना 5.05 रुपये पर यूनिट। तो हमारे पास 0.5 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0.432 का, तो पर यूनिट का रेट निकल आएगा, और जो आंसर आएगा वही इतने
यूनिट बिल का रुपए होगा कितने, 10 इंडिकेटर का कितना बिल लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.18160, मतलब 2 रुपये और समथिंग 1.8 पैसे 10 इंडिकेटर का हमारा बिल होगा पर मंथ में। तो अब इसकी वायरिंग कैसे करनी है, ये हमारा जो इंडिकेटर का वीडियो है फुल टॉपिक, वो एक राजेश करके हैं, राजेश हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट किया था बनाने के लिए, तो इसलिए हम बना रहे हैं। कमेंट का स्क्रीनशॉट हम स्टार्टिंग में ही दिखा दिए थे, तो हम देखते हैं इंडिकेटर है, हमारे पास स्विच है, हमारे पास एक सॉकेट है 5 पिन सॉकेट, इसका हम कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको। ये हमारे इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर में न्यूट्रल फेज हम डायरेक्ट ही देते हैं, तो हम पहले न्यूट्रल देंगे इसके में, इसके बाद हम फेज इसके निचले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, ये क्योंकि ये हमेशा इसके लिए हमारा तो स्विच नहीं लगाते हैं, हमेशा जलता ही रहता है। तो हमने इंडिकेटर में देख सकते हैं, हमने न्यूट्रल फेज डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, क्योंकि इंडिकेटर न्यूट्रल फेज डायरेक्ट ही कनेक्ट करता है। अब इसके बाद न्यूट्रल हमें सॉकेट में देने की आवश्यकता है, तो हमें सॉकेट में दे देंगे एक पॉइंट, यहीं से न्यूट्रल उठा के। चलिए हम लगा के दिखाते हैं आपको। हमने इंडिकेटर से पॉइंट को ले जाकर सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है, ये न्यूट्रल का पॉइंट है, और फेज का पॉइंट हम यहाँ से लेके जाएंगे स्विच निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। चलिए ये हमने फेज के बाद इंडिकेटर के निचले पॉइंट से स्विच निचले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है, हम हमारा स्विच के बचा हुआ पॉइंट सॉकेट के बचा हुआ पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम चेक करके दिखाते हैं आपको। ये हमने कनेक्ट कर दिया है स्विच ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट कनेक्शन, तो हमारा कनेक्शन देख सकते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल और फेज में डायरेक्ट इंडिकेटर में दे दिया है। इसके बाद हमने न्यूट्रल को सॉकेट के पॉइंट में दिया है, उसके बाद यही से हमने फेज को उठाया है और स्विच के पॉइंट में दिया है, और स्विच के दूसरे पॉइंट सॉकेट के दूसरे पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, देख सकते हैं कनेक्शन कर लिया है। अब इसको हम चेक करेंगे, तो ये जो हमारे 2 मेन सप्लाई हैं छोटे से वायर, तो इसके हम बड़े वायर कनेक्ट करके इस एक्सटेंशन बोर्ड में कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको, या फिर चेक करके दिखाते हैं अच्छे तरीके से। तो ये छोटे वायर से पहले इसे बड़े वायर कनेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हमको लगा के दिखाते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया है वायर को इस बोर्ड में, तो हम पहले चालू करते हैं इंडिकेटर, देखते हैं जलता नहीं जलता। ये देख लो इंडिकेटर जल रहा है, तो मतलब कनेक्शन सही है। अब हम इस सॉकेट को चेक करेंगे, इस बटन को ऑफ ऑन है, ऑफ है, इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये ऑन कर दिया हमने, टेस्टिंग में चेक करेंगे, लाइट आ रही नहीं आ रही, देख सकते हैं बल्ब जल रहा है इंडिकेटर, क्या मतलब लाइट आ रही है। अब कुछ और बल्ब होल्डर लगा के चेक कर देते हैं आपको। ये हमने बल्ब होल्डर लगा दिया है, उसे चेक करते हैं स्विच ऑन करके, देख सकते हैं तो हमारा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो इसको निकाल के देख हटा देते हैं एक बार आपको। फिर इंडिकेटर एक प्रकार का डिवाइस है या उपकरण बोल सकते हैं उसको, उपकरण, इसमें एक इंडिकेटर लगा होता है, इंडिकेटर में एक रजिस्टर लगा होता है, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया 200 किलो ओम का रहता है, इसीलिए इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए बल्ब हल्का हल्का जलता है। जो बल्ब उसके अंदर रहता है, कभी कभी रेड बल्ब लगा रहता है, लेकिन अधिकतर उसमें ब्लू बल्ब लगे या वाइट बल्ब, वो ऊपर वाले कैप के कारण उसका रेड कलर है, तो उसका रेड कलर दिखता है हमको। चलिए इस तरह के वीडियो मिलती रहेंगे, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बना देंगे आपको पूरे अच्छे तरीके से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।